Sahib, responsibility please. Number, local address, local phone number, and then especially local sign. हमें बॉडी दिखाते हुए, वो हमारी मेहनत जो अभी रंग ला रही है तो वो खराब हो गई, पता नहीं क्यों। अभी उसको कॉल करें, भाई लेके जाओ फिर इधर से। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको स्टेप्स। तो पैसे मैं निकाल के अभी निकला हूँ। अभी आप बोलोगे किस चीज़ का व्लॉग है आज, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक्स रेंट करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं, वो भी आ रहे हैं, तो हम जो है बाइक्स रेंट पे लेंगे आज। और मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे ज़रूरत पड़ी और कितने की हमें बाइक मिली दिन भर के लिए। तो चलो आज पूरा दिन जो है ओश एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के यहाँ, तो उसके बाद करेंगे हम बाइक्स या स्कूटी जो भी वहाँ अवेलेबल होगी उनको रेंट करेंगे। अभी जो है उस लोकेशन पे हम आ चुके हैं जहाँ से हमें अभी जो है रेंट करनी है बाइक्स। तो आदिल भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, तो अभी हम दोनों मिलके जाएंगे और बाकी जूनियर्स भी आ रहे हैं जो हमारे साथ आने वाले हैं आज। तो चलो अभी पहुँचते हैं वहाँ। हम पहुँच चुके हैं जोरो मोटो करके है, ये स्कूटर एंड मोटर बाइक यहाँ पे मिलती है। तो अभी देख लो, अभी तो फिलहाल बंद है। पहले इसने जो टाइमिंग रखी थी ना वो 9 बजे से, हम 10 बजने को आए हैं, तो अभी बोल रहे हैं 10-15 मिनट में मैं आता हूँ, तो हम रेडी होके भी नहीं आए हैं। बाकी मैं आपको अपने बंदे दिखाता हूँ, देख लो हम सब आ चुके हैं। बस यहाँ से अभी जो है रेंट करनी है और निकल जाएंगे। चलो आने दो उसको, करते हैं वेट और फिर घर जाके अच्छे से नहाते हैं और रेडी होते हैं। अंदर आ चुके हैं, अभी मैं आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ, देख लो ये सारा सामान है। इसको हमने बोला कि हमें दिखा दो यार स्कूटी कौन सी क्या लेंगे हम, तो इसने वहाँ से पता है क्या जवाब दिया कि भाई नहीं हम नहीं दिखाते, आप क्या करो आप ले लो, अगर आपको लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। डबल सीटर है और सिंगल सीटर है, अभी हमने डबल सीटर तीन ही अवेलेबल इसके पास, डबल सीटर तीनों ले रहे हैं और बाकी हम सिंगल सीटर लेंगे। अभी आने तो फिर रेट वेट डिस्कस होगा। तो यार डील्स इतनी टफ टफ डील्स थी ना, क्या ही बोलूं, कैसे कैसे डील्स दे रहा था। कल ये क्लोज है, उस चक्कर में बोल रहा था कल नहीं लूंगा, 2 दिन के लिए ले जाओ, फिर वो ज्यादा रेंट बन रहा था, सिक्योरिटी भी रखनी होती है, 5,000 पर स्कूटी। तो अब थोड़ा बहुत करके हमने इसको कम पैसे में मनवाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये सारी स्कूटीज है, इन्हीं को हम लेके जाने वाले हैं, तो अभी फाइनल प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है। फिलहाल ये बोल रहा है 900 टू सीटर के लिए, 450 सिंगल सीटर के लिए, तो देखते हैं क्या डिसाइड होगा। अपना बंदा साहिब, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज, साइनिफिकेशन। तो ये सिग्नेचर के लिए मुझे बुला रहा है, तो देख लो अभी हम यहाँ पे साइन करेंगे और हम अपनी स्कूटी को फाइनल करेंगे। प्लीज फुल नेम एंड देन पासपोर्ट आईडी नंबर, फुल नेम पासपोर्ट आईडी नंबर, लोकल एड्रेस, लोकल फोन नंबर एंड देन स्पेशली लोकल साइन। फोटो वगैरह ले रहा है नंबर प्लेट्स की, सेफ्टी पर्पज के लिए ये सारी हम ले रहे हैं। ये है अपनी स्कूटी और मैं इसकी वीडियो इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई नुकसान ऑलरेडी हुआ हो तो फिर बाद में मुझे ना बोले कि ये भाई ये वाला नुकसान हुआ है, ये तुम पे करो। स्क्रैचेस तो बहुत सारे हैं इस पे, देख लो। ये भी अच्छे से नहीं चल रहा इसको। अभी जो है बाहर आ चुका हूँ मैं पूरा रेडी होके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, वहाँ पे वो स्कूटी एक देख रहे हो शायद आप, तो वो ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों। अभी उसको कॉल करें, भाई ये लेके जाओ फिर इधर से, एक स्कूटी उधर पड़ी है, एक मेरे सामने जो मैं चलाने वाला हूँ। तो चलो आने दो बंदे को, उसको ले जाने दो इसको, और मैं अपनी वाली पे चढ़ के हम पहुँचते हैं पहले ममान की। वेल माउंट करने के लिए हेलमेट पे तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं फ़ोन जो है माउंट करता उस पर, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बिना भी चलो थोड़े बहुत व्यूज़ डाल देंगे रोड के, तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी डाले हैं वो, बट लेकिन आज कुछ अलग सा होगा। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जाने से पहले पेट्रोल भराने आए हैं इस वाली स्कूटी का, मैंने मेरी वाली का भर दिया वहाँ पे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे हमें पेट्रोल भरना है। यहाँ पे जाके जो मुझे टिकट कटानी है, पैसा देना है और यहाँ पे खुद से पेट्रोल भरना है, और ये लिमिटेड हो जाएगा कि बोले गए मुझे कौन सा वाला लेना है, 95, 92 DT या 92 दूसरा वाला पावर वाला, तो वो इसमें मैं डाल दूंगा खुद से। और बस जाता हूँ मैं पैसे देने। तो गाइज अभी ना ऑफ रोडिंग चल रही है हमारी, देखो कैसा रोड है यहाँ से, और ये हमारे सारे राइडर्स हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यार, मतलब सीरियसली बहुत प्यारा नजारा है यहाँ से। किर्गिस्तान सारा ही प्यारा है, वैली है, देख लो कहाँ कहाँ से घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सीरियसली। बालों की हालत पहले देख लो कितनी बुरी, और फाइनली डेड एंड पे आ गए हम लोग जहाँ पे हमें आना था, यही से मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। उस दिन की फीलिंग अलग थी, आज की फीलिंग अलग है।
तो अभी मैं वो टेरिटरी आपको पहले दिखा देता हूँ। टेरिटरी जो मैंने कहा था जहाँ मैं अलोन ही था, और बाकी एज यूजुअल डांगी। और ये हम सब लोग आ चुके हैं इधर, तो बस एंजॉयमेंट शुरू होगा। असली एंजॉयमेंट तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हॉस्पिटैलिटी देखो आप, इन्होंने हमें ऑफर किया, इन्होंने मतलब वाटरमेलन खा लो, कितने ज्यादा अच्छे लोग हैं। और इनका बर्थडे भी आज माशाल्लाह। फाइनली फाइनली हमने एक रिजॉर्ट बुक कर लिया। इससे पहले भी एक जगह पे बात हो रही थी हमारी, बट वहां पे हमने जो है बुक नहीं किया, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बोल रहा था और हमें एक दो घंटे के लिए चाहिए। एज जो हमने जो स्कूटी रेंट पे लिए ना, वो खाली 9 बजे तक लिए शाम के, तो अभी 6 बज रहे हैं, तो विच मीन्स हमारे पास 3 ही घंटे, तो 1-2 घंटे यहाँ देते और फिर रिटर्न कर देते हैं। तो इसने जो रेट लिया ना, वो अराउंड 150 पर हेड लिया फिलहाल 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए उस हिसाब से। तो ठीक है, जेन्युइन है, बट बहुत अच्छी जगह है। ये भी स्विमिंग पूल वगैरह है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ पहले। ये आप देख लो, स्विमिंग पूल वगैरह है, लोकल लोग भी है यहाँ पे, और अपने लिए जो है शाश्लिक वहाँ पे लगेगा। उन्होंने जो है लाया हमारे लिए सामान, तो अभी जाके जो है हम बनाएंगे और फिर खाएंगे। और ये अपना बन रहा है सेटअप, देख लो, ये प्रिपेयर कर रहा है। अभी रोते रोते उठा था, ये रोते रोते उठा हुई सोफा से, इसको माने जा रहा है, बोला क्लाइंट आए हैं, काम करो। हेलो उसका जी, ये हमें बॉडी दिखाते हुए, वो हुचन खराशो, हाँ क्रगस की ब्रूसली। तो ये देखो अपनी आग भी जल गई यहाँ पे हमारे लिए। प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, बारबेक्यूज बना रहे हो, और लोकल बच्चे तो पता ही है कैसे होते हैं, तो मैं इनको यही बोल रहा हूँ 5-5 लगा देना, क्योंकि सबको फिर काउंट अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ज्यादा खाए, क्योंकि मुझे ज्यादा खाना है। तो देखो 5-5 वाले तो बना रहा हूँ मैं, बाकी मुझे नहीं पता कौन बना रहा है। देख लो हमने लिपोश की भी रखी लोकल ब्रेड इसके साथ, और आग तो जली रही है, कोयला बनेगा तो बस फिर तो फुल ऑन एंजॉय होगा। हमारी मेहनत जो अभी रंग ला रही है, और हम काम में लगे पड़े हैं। ये गर्म हो गए बहुत, कुछ लाओ जिनसे इनको पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे पलटेंगे, ठीक है। वाह वाह, तो देखो अपने अदनान शाहिद, और अपना एज यूजुअल ताबिश। बनाते हम लोगों ने क्या किया ना, थोड़ी बहुत जला भी दी, और अब हम जली हुई ही खा रहे हैं यहाँ पे, देख लो। यहाँ के लोग ना तीखा तीखा नहीं खाते, वरना इस बच्चे को हम दे दे, इनको मैंने थोड़ा सा ट्राई कराया तो रोने पे आ गए। तो पूरे एग्जॉस्ट हो गए, बारबेक्यू खा ली अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके पास चेरी थी वो भी इन्होंने दे दी। बहुत मजा आया इनके साथ इंटरेक्ट करने में, मजा आया। पीछे आप मेरे देख लो, स्विमिंग पूल में ये लोग नहा रहे हैं। हमारे पास भी ऑप्शन है, हम भी अगर चाहे हम भी नहा सकते हैं, बट हम फिलहाल के लिए तो नहीं नहा रहे हम, क्योंकि हम निकल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कहीं और चलेंगे। तो आराम के लिए 2-3 मिनट ही रुके थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया। सीरियसली लास्ट टाइम भी मैं दांगी आया था, इतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों शायद उतना आइडिया भी नहीं था, उस बार आइडिया लगा, और इस बार तो दोनों दफा इट वॉज इक्वल लाइफ। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं कहीं और निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि दिन अभी 2-3 घंटे बचे हैं स्कूटी के लिए, तो एंजॉय करते हैं ना, और उसमें तेल भी डाला है, सो लेट्स हैव सम फन। तो चलो चलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि निकलने का टाइम हो गया, सूरज भी डूबने को आया। अब बस चलते हैं सिटी में, और सिटी में घुमाते हैं स्कूटी 9 बजे तक। आया था पैसे देने के लिए और फिर हम निकलने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको किचन भी दिखा दूँ, इनका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और पर हेड इन्होंने 150 हमसे लिए, सो वो बनता है 1500 के आसपास हम सबका, क्योंकि हम 10 बंदे हैं, तो 1500 दे देंगे इनको। देख लो ये है किचन इनका, फ्रिज 2 रखे हुए हैं, मतलब अगर हम रात को इसको रेंट करना चाहें ना, मतलब एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए कर सकते हैं, और ये खाना हमें पका के भी देंगे, अगर हम इनको बोले तो खुद भी पका सकते हैं, इट्स अप टू अस। देखो कितना प्यारा है। तो चलो मैं पे कर देता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से। और ये बाहर का इसका व्यू, ये था इनका बेटा, इन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी। तो चलो अब मैं देता हूँ पैसे और निकलता हूँ।
तो घूमते घूमते देखो कितनी बुरी हालत हो गई मेरे बालों की। लेकिन क्या ही बताऊं, पता है गर्दा बहुत उठ रहा है और अगर 50 से ऊपर स्पीड जा रही है ना, ये हेलमेट ही उड़ता है हवा में। बट चलो बहुत मजा आ रहा है, अभी हम घूमते घूमते बहुत आगे आ गए। अब एक घंटा अपने पास बचा है, अब शायद यहाँ से वापस जाएंगे और बंदे को स्कूटी वापस करेंगे। जहाँ मैं आया हूँ ना, ये भी बहुत प्यारी जगह है। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल पंप है पीछे, यहाँ से बाकी का व्यू बस हाईवे है और यहाँ से थोड़े बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे एज यूजुअल। यहाँ से सोच रहे थे सीधे आगे जाएंगे, लेकिन पुलिस बैठी है आगे, वो रही, वो शायद अपना टाइम वेस्ट करेगी, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे। करेंगे तो कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए बेटर है कि हम वापस चले जाएं और स्कूटी वापस कर दें। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं और स्कूटी जो है हैंड ओवर कर रहे हैं। बालों की हालत देख लो हेलमेट से क्या हो गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हमने इसको स्कूटी रिटर्न की, इसने बोला जो हेलमेट है आप वो डिक्की में डालो और मैं काउंट करूंगा लाइक दैट, तो वो भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो हेलमेट जो है इसमें डालना पड़ा, तो फिर जाके इसने काउंट किया। अभी कुछ इंजन चेक कर रहा है, बोरे इंजन देखूंगा मैं कैसा है, घूम के आ रहा है। जाए बहुत ज्यादा किया, सीरियसली बहुत मजा आया। तो देखो वो रहा बंदा, चलो ठीक है, इसको हैंड ओवर करते हैं और अपना डिपॉजिट वापस लेते हैं और निकलते हैं फिर हम घर के लिए।